चलिए ग्राम पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखेंगे। आज ग्राम पंचायत से पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो कौन से भाग कही गई है, भाग 3 में या भाग 4, भाग 5 या भाग 6। इसका आंसर बी होगा, भाग 4 में। कौन से में की गई है, भाग 4 में की गई है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। तो ग्राम डायरेक्ट मैं आपको आंसर कराते जाऊंगा, लंबा है ना, पीडीएफ हमारा लंबा है। और ग्राम पंचायत से 4 या 5 नंबर यहीं से पूछे जाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा उतने ही ज़्यादा पढ़ाने में आपको मज़ा आएगा, है ना। चलिए ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है। तो मेला एवं बाजार। ग्राम पंचायत का आय का स्रोत मेला और बाजार है। तीसरा प्रश्न है, हाँ लाइक कीजिएगा, लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि पिछले वर्षों में आ चुका है प्रश्न, है ना। जैसे 2012 में 2017 में एग्जाम हुआ है एडीओ का, उसी से टॉपिक रिलेटेड है। हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक आना चाहिए। हाँ चलिए, क्लास स्टार्ट हो चुका है, 15 मई से स्टार्ट हो चुका है। चलिए, हाँ आज शाम 8 बजे की बैच है, 8 बजे की। अच्छा, हाँ चलिए 8 बजे की बैच है। हाँ चलिए, तीसरा प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम राजस्थान और खालिस्तान में आरंभ की गई है। देखिए, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, सबसे पहले राजस्थान के कौन से वहाँ आरंभ की गई है, आंध्र प्रदेश में। चौथा प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा गया है, जो पंचायती राज प्रणाली है, जो व्यवस्था है, कि कौन से दो राज्यों में लागू की गई। तो कौन से राज्य, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले कहाँ लागू की गई, राजस्थान के नागौर जिला में। सेकंड में आंध्र प्रदेश, इसका आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, टॉपिक है 4-5 नंबर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ यहीं से पूछे जाएंगे। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, पंचायती राज की जो प्रणाली है किस पर आधारित है। तो आप सभी को पहले मैं थ्योरी क्लास करा चुका हूँ, पिछले वीडियो में जा कर देखिए, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जा कर आप देख सकते हैं। इसका आंसर कौन होगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक, हाँ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। आंसर डी होगा, चलिए आंसर डी होगा। हाँ चलिए, है ना, आंसर डी होगा। पंचायती राज की अनुशंसा की गई कौन से किसे, पंचायती राज कहाँ किसके अनुशंसा से की गई है, बलवंत राय मेहता समिति से। कब लागू हुआ था, 1957 में, है ना, बलवंत राय मेहता समिति जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। हाँ अगला है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है उसका अध्यक्ष कौन है। तो बलवंत राय मेहता आएगा।
देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है? कौन सा समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया है? बलवंत राय, है ना, बलवंत राय होगा इसका आंसर। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर हुआ है, बलवंत राय मेहता समिति। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याप्त है तो पंचायती राज पर है, है ना। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है तो पंचायत समिति का निष्पादक होता है खंड विकास, है ना, खंड विकास होता है, खंड विकास, आंसर डी होगा, खंड विकास पदाधिकारी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, एक विकास खंड एक पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासनीय अधिकरण पर होती है ना। हाँ, प्रशासनीय अधिकरण बी होगा आंसर, बी। चलिए 13वां प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य रखा गया है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इसका आंसर सी होगा। चलिए अगला देखेंगे। हाँ, कमेंट करते जाइएगा, आंसर जिसको पता है कमेंट करते जाइएगा। हाँ, कमेंट करते जाइएगा। छात्रावास अधीक्षक की क्या, छात्रावास अधीक्षक का क्लास स्टार्ट हो चुका है, होगा जल्दी ही होगा। हाँ, जल्दी ही होगा। हमारी यूट्यूब चैनल पर छात्रावास अधीक्षक की तैयारी भी कराया जाएगा, शाम 5 बजे की बैच होगी वो। हाँ, कल से प्रारंभ हो गए है वो। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर सुझाव दिया गया है? 3। हाँ भावेश, हाँ जी, हाँ, कल शाम 5 बजे से स्टार्ट हो चुका है, कंप्यूटर क्लास है छात्रावास अधीक्षक का। हाँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया गया है, जाके देख सकते हो। अच्छा, हाँ, सरोजनी क्लास स्टार्ट हो चुका है। हाँ, चलिए क्लास स्टार्ट हो चुका है, लाइव क्लासेस था वो, आज मैं आपको डाल दिया हूँ यूट्यूब पर। हाँ, यूट्यूब में डाल दिया हूँ, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया गया है। हाँ, आज का वीडियो में डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा, है ना, पीडीएफ में डाल दूँगा उनको। हाँ, पीडीएफ भी डाल दूँगा और वीडियो भी डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। हाँ हाँ, चलिए अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया गया है? तो पंचायत समिति को, है ना, तो पंचायत समिति है जो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, कहीं भी आपको बलवंत राय मेहता समिति दिखा पंचायत समिति से ही प्रश्न होगा। हाँ, अगला है हमारा, पंचायती राज प्रदान करता है तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, आंसर भी होगा, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अगला देखेंगे, पंचायती राज की संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर होती है, सरकारी अनुदान पर होती है। पंचायती राज की जो संस्था होती है, जो अपनी निधि है, वो सरकारी अनुदान पर होती है। हाँ, अगला प्रश्न है, पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, आंसर ए होगा। जो पंचायत के समिति के प्रशासन का प्रबंधन होता है, एक सरकारी अधिकारी करता है, कौन करता है? खंड विकास पदाधिकारी करता है। अच्छा, हाँ, चलिए क्लास हो गया है स्टार्ट, ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए, प्रश्न है कि पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान होता है, आंसर सी होगा। 20वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थान का अधिकतम आय का स्रोत होता है सरकारी अनुदान।
हाँ जी, यह पार्ट वन वीडियो है, पार्ट टू वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिया गया है, जाके देख सकते हैं। पार्ट टू वीडियो आज शाम 8 बजे की क्लास पर स्टार्ट होगी। हाँ, 8 बजे की क्लास पर। चलिए आज के लिए बस इतना ही है ना, तो कल मिलते हैं, कल मिलेंगे शाम 8 बजे। हाँ, आज शाम 5 बजे कंप्यूटर क्लास होगा छात्रावास अधीक्षक से, उसके बाद गणित का प्रश्न कराऊंगा, है ना। 150 का पूछा जाता है, छात्रावास अधीक्षक 150 नंबर का होता है, एडीओ भी 150 नंबर का होता है। एडीओ का फुल फॉर्म होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, एडीओ का सहायक विकास विस्तार अधिकारी होता है। हाँ हाँ जी, हाँ सावित्री, हाँ जी, शाम 8 बजे क्लास होगी। कौन सा वाला डाउट है आपको? अच्छा, चलिए 16 का डाउट है ना, चलिए देखेंगे 16 का डाउट है क्या। हाँ चलिए देखिए 16 का प्रश्न है, एक बार फिर से देखिए। पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है पंचायती राज? जो स्थानीय स्तर पर जो लोकतांत्रिक होता है उसका प्रशासन है, क्या समझ